नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज मैं अभी एक नई खबर लेके आया हूँ। राज्य के निम्न जिलों के एसएसए तथा जीओबी से वेतन पाने वालों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहले आइए देखते हैं हम सीतामढ़ी जिला के एसएसए मद का आवंटन 22 करोड़ रुपया स्थापना से जिला को बैंक को भेज दिया गया है अप्रैल माह के भुगतान के लिए। वहीं जियो भी मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों के जिला में आवंटन अभी प्राप्त नहीं है। उसके बाद चलिए आइए देखते हैं भागलपुर जिला में एसएस मद का फरवरी माह का भुगतान के लिए अभी अभी शिक्षक संघों द्वारा चालू करा दिया गया है। वहीं जियो भी मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों के लिए जिला में आवंटन नहीं है। उसके बाद चलिए सारण जिला में चलते हैं। सारण जिला में एसएस मद से पाने वाले शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया है ताकि सह समय मार्च और अप्रैल का भुगतान किया जा सके। वहीं जियो भी मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों के लिए राशि अभी जिला में प्राप्त नहीं है। वहीं पश्चिमी चंपारण बेतिया से एसएस मद से अगले सप्ताह तक 2 माह फरवरी और मार्च का भुगतान करा दिया जाएगा तथा जियो भी मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों के लिए आवंटन जिला में प्राप्त नहीं है। वहीं कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में एसएस मद से फरवरी माह का विपत्र बैंक चला गया है। अगले सप्ताह यानी कल से परसों में फरवरी माह का भुगतान हो जाएगा। उसके बाद का आवंटन आने के बाद भुगतान की प्रक्रिया चालू होगा। वहीं जियो भी मद में से पाने वाले वेतन शिक्षकों के लिए राशि अभी नहीं है। वहीं कटिहार में एसएसए मार्च माह का विपत्र बैंक भेज दिया गया है। आज से कल में उसका भुगतान हो जाएगा। वहीं जियो भी मद से पाने वाले शिक्षकों के लिए जिला में आवंटन प्राप्त नहीं है। पूर्वी चंपारण में भी विपत्र भेज दिया गया है और वहां भी भुगतान जल्द हो जाएगा। सभी मिलाकर मानो तो एक सप्ताह यानी अगले सप्ताह तक सभी जितने जिले को आवंटन प्राप्त हुआ है सभी का 1 या 2 माह का भुगतान हो जाएगा। वहीं इसके बाद हम चलते हैं लगभग 5 जिला को आवंटन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे पूर्णिया, मधेपुरा, रोहतास, गोपालगंज तथा दरभंगा। इन 5 जिलों में अभी तक एसएसए का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। आज मैंने सचिवालय में फ़ोन किया था लेकिन किसी कर्मचारी को कॉल रिसीव नहीं करने के वजह से सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। कल मैं प्रयास करूंगा कि सचिवालय से सूचना आवंटन से संबंधित आप सभी को दूं। उससे पहले मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं अवश्य और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप।